कोरोना वायरस का असर अब इंडियन प्रीमियर लीग पर पड़ सकता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संकेत दिए हैं कि आईपीएल के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। कोरोना वायरस के मद्देनजर भीड़ में इकट्ठा होने से बचने के लिए सरकार आईपीएल जैसे बड़े इवेंट को टालने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि बड़े इवेंट्स को पहले से ही रद्द किया जा रहा है। लोगों की जिंदगी अनमोल है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वायरस फैलने का खतरा बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम आईपीएल को टालने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमने इसके बारे में राय मांगी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद सौरभ गांगुली ने जवाब देते हुए कहा है कि आईपीएल पोस्टपोन नहीं होगा और अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा। आपको बता दें कि इससे पहले बीसीसीआई ने इसे लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि आईपीएल 2020 जारी रहेगा और कोरोना वायरस को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कोरोना वायरस को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बीते शुक्रवार को साफ कर दिया था कि आईपीएल के मुकाबले होंगे। बोर्ड 29 मार्च से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट के सुचारू आयोजन को लेकर हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिले आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक भारत में कोरोना वायरस के 41 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।